नमस्कार दोस्तों, हम हमेशा अपने जीवन में सपने हर कोई देखता है और सपनों में अपने जीवन में आने वाले भविष्य फल को देखने की कोशिश करते रहते हैं। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी आंखें आने वाले भविष्य की कल्पना कर रही होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी आंखों से वह चीज़ें देख भी लेते हैं जो आने वाले भविष्य में होने वाला होता है, और कभी कभी वह फल हमें देखते ही पता चल जाता है कि हाँ, ये तो हमने सपने में देखा था। तभी तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि यदि आप ऐसे सपने देखते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या मिलते हैं और किस सपने को देखने से आपके पद को और आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप सपने में धूप देखते हैं या अगरबत्ती देखते हैं तो वह धुआं निकलने वाला आपके जीवन की कल्पनाएं बताता है, यानी कि आपको उस पद के लिए उन्नति मिलने वाली है या जिस पद पे आप काम कर रहे हैं उस पद से आपको आगे के पद मिलने की आशंका सबसे ज्यादा होती है। अगर सपने में आप रत्न देखते हैं तो रत्न देखने से आपके व्यवसाय में हानि होती है और आपके जीवन पे भी गलत असर पड़ता है। आपको कोई भी ऐसी बीमारी ग्रसित हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको पैरालाइज तक भी हो सकता है। तो आप यदि सपने में रत्न देखते हैं तो आप पहले से ही सचेत हो जाएं, और जिसकी वजह से आप पहले से ही अगर तैयार होंगे तो उसकी वजह से आप अपने जीवन को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। कभी कभी सपने में हम लोग ऐसी चीज़ें भी देख लेते हैं जो चीज़ें हमारे पास नहीं होती हैं। कभी कभी सपने में हम लोग ऐसा करते हैं कि चेक लिखकर और किसी और व्यक्ति को दे देते हैं, लेकिन यह सपना सबसे अच्छा माना जाता है। यदि आपके सपने में ऐसा होता है कि आप चेक लिखकर किसी और को दे रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि व्यवसाय में बेनिफिट तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ आपको धन की प्राप्ति होगी और आपको वह आसन मिलेगा जिस पर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो यदि आपका सपना ऐसा है और आप सपने में हर कोई चाहता है कि वह व्यक्ति अमीर बन जाए, तो यदि आप सपने में चेक लिखकर किसी को दे रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपको कुछ ना कुछ फायदे तो होंगे ही होंगे, साथ के साथ आपको धन की प्राप्ति अधिक होगी। हर किसी का सपना वैसे तो रियल में यही होता है कि अगर घर में संतान ना हो तो, और अगर आप सपने में संतान देख लेते हैं तो वह आपके लिए अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि कहा जाता है कि यदि आप सपने में ही बच्चे को देख लेते हैं तो वह आपको नेगेटिव ऊर्जा प्रदान करता है और आसपास की चीज़ें भी नेगेटिव नज़र आती हैं। और यदि आप सपने में आकाश या हरा भरा मैदान देख लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपको पुत्र की प्राप्ति होने वाली होगी, क्योंकि यह कहा जाता है कि अगर प्रेग्नेंट लेडी सपने में खुला आकाश या हरा भरा मैदान देखती है तो इसका मतलब उसे जल्द ही कोई पुत्र की प्राप्ति होने वाली है। तो ये है वह सपने, यदि आप देखते हैं और इमेजिनेशन करते हैं तो वह सपने आपको अचूक फल दे सकते हैं, और ये सपने देखने से आपको सबसे ज़्यादा फायदे होते हैं, क्योंकि सपने देखने से हमें आने वाले भविष्य के फल के बारे में भी पता चल जाता है। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।